हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पीवीआर स्टडी। चलिए आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो आपके अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए टाइम को ना लॉस करते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं। जैसा कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है क्या? नाभिकीय विखंडन में हम क्या उपयोग करते हैं? यूरेनियम का प्रयोग करते हैं, जिसका परमाणु संख्या होता है 92 और इसकी रासायनिक श्रृंखला जो होता है वो एक्टिनाइट का बना, मतलब एक्टिनाइट होता है। ओके, चलिए कुछ हम यूरेनियम के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि यूरेनियम तत्व की खोज 1789 ईस्वी में क्लाफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने की थी। क्लाफोर्ड द्वारा पिच ब्लेड नामक अयस्क से हुई थी और यूरेनियम जो है वो टेट्राक्लोराइड के पोटेशियम के द्वारा अपचयन से यूरेनियम धातु को तैयार किया गया था और इसे समुद्री जल में ही यूरेनियम उपस्थित होता है। हमें यूरेनियम जो मिलता है वो समुद्री जल से मिलता है और समुद्री जल में ही इसकी मात्रा सेल में उपस्थित मात्रा का 1/2000वां भाग होता है। इतना ज्यादा वहां पे यूरेनियम का पाना उचित होता है। और इसके साथ साथ ये सारे मतलब कि समुद्र में फैले होने के पश्चात इनके केवल दो मुख्य अयस्क हैं जिनका नाम है पिच ब्लेड और दूसरा कर्नोटाइट पिच ब्लेड। ओके, तो चलिए आगे आपको बताते हैं कि आपने देखा होगा जो समुद्र का पानी गहरे नीले काले रंग का अयस्क होता है, वही सॉरी 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 जो गहरे नीले रंग का काले रंग का अयस्क होता है जिसमें यूरेनियम ऑक्साइड जिसका फार्मूला होता है U3O3 उपस्थित रहता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है फ्रेंड्स, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का कितना होता है? 1/6 भाग होता है। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? पारा होती है। पारा के अनेक यौगिक जो होते हैं वो औषधि के रूप में उपयोग किए जाते हैं, जैसे कि मर्क्यूरी क्लोराइड, बेंजोइड, साइनाइड, सेलिसिलेट, आयोडाइड, इस तरीके से जो औषधि के रूप में उपयोग की जाती है। ओके, तो जितने भी ये कीट मतलब कीटाणुनाशक वाले औषधि बनाई जाती है वो पारा द्रव अवस्था में होती है और इनका घनत्व तो न्यून वाष्प दबाव के कारण पारा का उपयोग थर्मामीटर, बैरोमीटर, मैनोमीटर तथा अन्य मापक उपकरणों में प्रयोग किया जाता है। और पारा जो बहुत मतलब कि पारा जो होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है और क्योंकि यह कमरे के तापमान पर वाष्पीकरण करता है, इससे पारा वाष्प में प्रवेश किया जा सकता है और यह आसानी से हमारे बॉडी तक पहुंच सकता है। हमारी बॉडी को यह मतलब कि हमारी बॉडी इसको अवशोषित कर सकती है और यह फेफड़ों में डायरेक्टली जाता है और वहां से रक्त और मस्तिष्क में जाता है, फिर हमारे लिए तंत्रिका तंत्र मतलब कि जहर नींद के रूप में ये फैल जाता है। तो हमें काफ़ी नींद आने लगती है इसको मतलब कि जब भी हमारे बॉडी में अगर पारा आता है तो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे लिए खतरा भी हो सकता है और जान भी हमारी जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि समूह सुराही का पानी ठंडा क्यों होता है? सुराही का पानी फ्रेंड ठंडा क्यों होता है? क्योंकि वाष्पीकरण के कारण सुराही का पानी ठंडा होता है। लेकिन गर्मियों में घड़े में जब भी आप जल ठंडा मतलब कि जल भरते हैं तो वो अक्सर आप देखते होंगे घड़ा है, सुराही है, जितने भी मतलब कि इस तरह की चीजें हैं उन सभी में पानी बहुत ठंडा रहता है, जबकि हाँ उसमें तो कोई फ्रिज नहीं लगा होता। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं किस लिए। क्योंकि फ्रेंड्स होता क्या है कि छोटे छोटे छिद्र होते हैं इसमें, हमारे घड़ों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसमें घड़ा में पानी भरा रहता है और वो रिसता रहता है। मतलब कि आपने देखा होगा जब भी आप घड़ा में पानी भरते हैं तो वो बाहर का जो मतलब एरिया रहता है वो कभी सूखा नहीं रहता, वो पानी अंदर से सींचता रहता है, छिद्र रहता है वो बाहर से मतलब कि उसको एकदम सींच देता है, तो जो उसका सतह होता है वो काफ़ी ठंडा हो जाता है। और जब बाहर रिसते हुए पानी की सतह का क्षेत्र काफ़ी बढ़ जाता है, वो तेज़ी से वाष्पन होता है और वाष्पन से ठंडक उत्पन्न होने लगती है और वाष्पीकरण की दर सतह क्षेत्र से बढ़ जाती है और इसी वजह से सुराही और गहरे का पानी ठंडा होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है कि दूध में पाई जाने वाली कौन सी शर्करा है? लैक्टोज। दूध में जो हमारी शर्करा पाई जाती है लैक्टोज होता है, जिसकी वजह से हल्का दूध मीठा लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि मूत्र का निर्माण होता है किससे? वृक्क से। ठीक है, वृक्क में मूत्र का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, सबसे लंबा कृमि होता है कौन सा? टेप वार्म। टेप वार्म जो होता है वो सबसे लंबा कृमि वार्म
होता है। नेक्स्ट है हमारा प्रकाश वर्ष मात्रक है, मतलब प्रकाश वर्ष का मात्रक किसका है, दूरी का, दूरी का मात्रक, सॉरी प्रकाश वर्ष का मात्रक दूरी, कि दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष, दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष। ओके, तो मैं आपको कुछ मात्रक के बारे में बता दे रही हूँ। देखिए मात्रक बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आपको बता दें कुछ मात्रक के बारे में, बल का मात्रक न्यूटन, दूरी का मात्रक, सॉरी दूरी का मात्रक प्रकाश, ठीक है, और मीटर भी होता है, और लंबाई का मात्रक मीटर, ठीक है, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब। तो इस तरीके से बहुत सारे मात्रक होते हैं। त्वरण का मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स, मीटर प्रति स्क्वायर होता है। तो सारे मात्रक के बारे में आपको जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि मात्रक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, तो एक वीडियो में मात्रक पर जरूर बनाऊंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करती है कैसा? अब केंद्रीय बल के सिद्धांत पर, अब केंद्रीय बल के सिद्धांत पर कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन पर कार्य करती है। जैसा कि फ्रेंड्स अपकेंद्री और अपकेंद्री, अपकेंद्री और अपकेंद्री दोनों अलग अलग है, ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे अभी हम नेक्स्ट वीडियो पे, इस पर एक वीडियो जरूर बनाएंगे। तो मैं आपको ऐसे ही बता दे रही हूँ नॉर्मली, कि जब जो कपड़ा सुखाने वाली, जैसे हम लोग बोलते हैं वॉशिंग मशीन, और दूध से मक्खन निकालने वाली जो मशीन होती है वो अपकेंद्री बल पर कार्य करती है, क्योंकि अपकेंद्री बल की डिफिनेशन मैं आपको जरूर बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी अब आपका क्वेश्चन बहुत बड़ा है। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है? मानव शरीर में जल की मात्रा 60% शरीर के भार का होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मस्तिष्क, सॉरी मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मनुष्य के मस्तिष्क का वजन फ्रेंड्स 1300 से 1400 ग्राम तक होता है, लेकिन हमारे मस्तिष्क में बहुत से ऐसी चीजें होती हैं। चलिए हम इसके बारे में भी जान लेते हैं। आपको पता है कि जो हमारा मस्तिष्क है वो हमारे बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट भाग है। इंपॉर्टेंट भाग, क्योंकि एक चीज अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे शरीर का ये सा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप सोचिए कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है? अगर आपके शरीर में हार्ट हृदय नहीं रहता तो क्या आप जीवित रहेंगे? नहीं जीवित रह सकते, ठीक है। देखिए कुछ इंटरनल पार्ट है जिसके बिना, जिससे मतलब कि जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हार्ट हो गया जिसके बिना आप जीवित नहीं रह सकते, लंग्स हो गया जिसके बिना आप जीवित ही नहीं रह सकते, अगर वहां से फेफड़ों नहीं, तुम सांस नहीं ले सकते, सांस नहीं ले सकते तो आप जीवित नहीं सकते, है ना फ्रेंड्स। और भी ऐसी चीजें बात करते हैं, वृक्क है, तो आप अगर मतलब कि जब आपके शरीर में वृक्क ही नहीं रहेगा तो आप जो आपका मूत्र वगैरह रहेगा वो कहाँ जाएगा? तो उसके बिना भी आप जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि अगर आपके शरीर में रहेगा तो ऑटोमेटिक वो फट जाएगा। तो बहुत सारे अंग हैं, आप किसकी बात करेंगे, कौन सा पार्ट हम आपके शरीर का निकाल के बाहर कर दे जिसके बिना आप अच्छे से जीवित रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तो हमारे शरीर में तो सारा भाग बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मस्तिष्क, मस्तिष्क एक ऐसा पार्ट है हमारे शरीर का कि जिसके बिना आपका जीवित रहना भी आजीवित हो जाएगा। जैसे अगर आपके शरीर में मस्तिष्क ये निकाल दिया जाए जिसके साथ आप सोचते हैं, जिसके साथ आप सोते हैं तो सोचते हैं, उठते हैं तो सोचते हैं, मतलब कि सब कुछ आप अपने माइंड से पूछ के करते हैं, अगर वो माइंड ही आपके बॉडी में नहीं रहा तो आप किससे पूछ के करेंगे? तो फ्रेंड्स वाकई में माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मानते हैं कि आपके शरीर में पूरी बॉडी का अंग है और आपके शरीर से माइंड निकाल दिया गया, तो आपका दिमाग क्या काम करेगा? करेगा ही नहीं। आप समझ ही नहीं पाओगे कि क्या गलत है और क्या सही है और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो मस्तिष्क हमारे शरीर का सबसे प्रमुख अंग है। चलिए मानते हैं, देखिए जो आपने देखो स्केल, इसको हिंदी में करोटी बोलते हैं, ठीक है, स्केल जो खोपड़ी होती है उसके भीतर जो कपाल मतलब कि स्कल जो होता है वो स्थित होता है, और मस्तिष्क के चारों ओर जो झिल्लियां मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं जो इसको सुरक्षा प्रदान करती हैं, हमारे मतलब कि मस्तिष्क के अंदर, मस्तिष्क के बाहर जो झिल्लियां मेम्ब्रेन होती हैं वो हमारे मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करने के लिए होती हैं, और इन मेम्ब्रेन का प्रयोग हम किसमें करते हैं, मेनिंजेज, सॉरी इन झिल्लियों को मेनिंजेज कहते हैं, और ये तीन प्रकार के होते हैं, जिससे हम बोलते हैं ड्यूरोमीटर या दृढ़ तनिका, इंग्लिश में बोलते हैं ड्यूरोमीटर और हिंदी में बोलते हैं दृढ़ तनिका। ये क्या करता है, ये सबसे बड़ी झिल्ली होती है, बाहरी झिल्ली होती है, और ये सबसे बड़ी होती है जो तंतुमय संयोजी ऊतक मतलब कि फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू तथा कलेजन तंतु मतलब कलेजन फाइबर से बनी होती है। ओके,
और दूसरा हमारा है एरेकेनोइड, जिसको बोलते हैं जालतनिका। ठीक है, ये क्या करती है, यह मध्य में पाई जाने वाली झिल्ली है, मतलब कि बीच में पाई जाने वाली झिल्ली है, जो क्या करती है, तंतुमय ऊतक मतलब कि फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू को इलास्टीन तंतु मतलब इलास्टिक फाइबर से बनी होती है। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पायामीटर, पायामीटर जो होता है इसे हिंदी में बोलते हैं मृदुतनिका, ये क्या करती है, सबसे निचली भाग की मतलब कि मेम्ब्रेन होती है, और यह मस्तिष्क से स्पर्श करती है, और इसका निर्माण संयोजी ऊतक से होता है, और इसमें पाई जाने वाली जो ब्लड वाहिनी मतलब रुधिर वाहिनी के द्वारा ये मस्तिष्क को पोषक प्राप्त करती है, और रक्त जालक मतलब कि रक्त जालक कोशिकाओं का एक जाल है जो मस्तिष्क या ब्रेन के गुहा में लटकी रहती है, और साथ में ये रक्त जालक मतलब शरीर के दो महत्वपूर्ण कार्यों का कार्य करती है, या सेरेब्रोस्पाइनल तरल का एक निर्माण करती है, और दूसरा मस्तिष्क और अन्य केंद्रीय तंत्रिका ऊतकों का विषाक्त पदार्थों से बचाती है। तो इतने सारे हमारे ब्रेन के पार मतलब के बारे में थी जानकारी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है ऊंट का गर्भवती काल कितना होता है। ऊंट का गर्भवती काल जो होता है वो 320 से 350 डेज होता है फ्रेंड्स, ऊंट का गर्भवती काल। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है कि गाय तथा भैंस का गर्भवती काल कितना होता है, तो 280 से 300 दिन। ठीक है, 280 से 300 डेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पैतृक तथा पैतृक का सिद्धांत करने में सहायक है। पैतृक मतलब ये इसका सिद्धांत करने में सहायक डीएनए और फिंगरप्रिंट होता है। जैसे कि फ्रेंड्स आपको हम सपोज दैट मान लेते हैं कि आप एक मदर्स हो और आपके बच्चे जो हैं आपको कंफर्म नहीं है, मान लेते हैं कुछ भी प्रॉब्लम या कोई भी चीज़ है, आपसे कोई कह रहा है कि आपके बच्चे नहीं हैं और आप कह रहे हो है, तो आप इस चीज़ को कैसे कंफर्म करोगे, कि क्या सबूत दोगे जिससे आपको पता चल सके। तो देखिए, एक होता है फिंगरप्रिंट और एक होता है डीएनए टेस्ट। अगर आप डीएनए टेस्ट और फिंगरप्रिंट मैच हो जाता है तो ये समझ लीजिए कि आपका ही बच्चा है। तो डीएनए टेस्ट बहुत ही जरूरी होता है ये सब पता करने के लिए, और डीएनए टेस्ट वैसे जल्दी लोग कराते नहीं है, बहुत ही रियल केस में जैसे कि बहुत ही ज़्यादा अगर वो फंसे हुए हैं, उन्हें प्रूफ करने का कोई और चांस नहीं मिल रहा है, तो डीएनए टेस्ट से साफ साफ पता चल जाता है कि किसके संतान हैं। ओके तो चलिए आगे बात करते हैं। और डीएनए का बता दें, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है। गाजर, विटामिन ए सबसे ज्यादा गाजर में पाया जाता है, और इस वजह से गाजर आप खाइएगा नहीं तो आपको रतौंधी नामक रोग हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है जठर रस में पाया जाता है कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो जठर रस में पाया जाता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रमुख अकार्बनिक अम्ल है जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के जलीय विलयन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। इसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं, जिसका फार्मूला होता है HCl, जिसको आप जानते हो H मतलब हाइड्रोजन, C मतलब कार्बन, और I मतलब आयोडाइड आयोडीन होता है। लेकिन H मतलब हाइड्रोजन तो होता है, Cl मतलब भी क्लोरीन होता है, जो Cl से ही मिला है, कार्बन आयोडीन से नहीं मिला, वो क्लोरीन और हाइड्रोजन का मिश्रण है। ठीक है, ये ज्वालामुखी गैसों में पाया जाता है, ये काफी ज्वलनशील पदार्थ होता है, और ये मानव जठर रस में इसकी अल्प मात्रा भी रहती है, बहुत कम मात्रा में रहती है, जो आहार पाचन में सहायक करती है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है लाइकेन में परस्पर सहजीव मौजूद होते हैं, किसमें, कवक और शैवाल में। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है, टाइलिन। टाइलिन जो होता है वो हमारे लार में पाया जाता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व तो कौन सा होता है फ्रेंड्स, तो लोहा। हीमोग्लोबिन में लोहा तत्व पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन होता है। नेक्स्ट है भोपाल गैस कांड में रिसाव हुआ था,
किसका, मिथाइल आइसोसाइनाइड का, मिथाइल आइसोसाइनाइड का भोपाल गैस कांड में रिसाव हुआ था। ये काफी खतरनाक केमिकल्स हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है किसमें, मूत्र में। मूत्र में सबसे ज्यादा यूरिया की मात्रा होती है। नेक्स्ट है पेप्सिन का एक उदाहरण बताइए, इंजाइम। ठीक है, इंजाइम जो है वो पेप्सिन का एक उदाहरण है। ठीक है, तो पेप्सिन एंजाइम एक प्रकार का। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ मैंने आपको क्वेश्चन बताया जो आपके साइंस से काफ़ी बार पूछे गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, एंड शेयर भी करिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।